हृदय राम जी को जन्म दिवस के लिए मैं अपनी ओर से और समस्त परिवार की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। आप इसे स्वीकार करें हृदयनाथ जी। ये मैं उन्हें आश्वासन अवश्य देना चाहता हूं कि अगली बार जब कभी इस तरह का सम्मेलन होगा तो मैं मराठी में ही बोलूंगा। मैं इसलिए मराठी में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं शिक्षित हो रहा हूं और जब तक पूरी तरह मैं उसे अच्छी तरह से बोल ना पाऊं, मैं ऐसा मानता हूं कि वो निरादर होगा उस जबान का। जया आज यहां पर है मंच पर और मैं बताना चाहता हूं कि जब भी लता जी को कोई ऐसा गाना मिलता था तो वो पूछती थी कि ये किस हीरोइन के लिए मैं गाना गा रही हूँ, और जब उन्हें पता चलता था कि वो जया के लिए गा रहे हैं तो न जाने क्यों शायद मुझे ऐसा लगता हो कि उनका सुर, उनकी जो लय होती थी वो एकदम अलग होती थी। और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं उन्हें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी ऐसा गीत सुनता हूं जो कि जया के ऊपर फिल्माया गया हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यह ख़ास तौर से लता जी ने जया के लिए गाया है। कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कई बार कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है जो भारत में है और दो चीज़ें नहीं हैं, एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज एक ही मंच पर हम दोनों को बुला करके विदेश आर्ट्स ने हमें सम्मानित किया है। भारतीय फिल्म उद्योग को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 2013 में। 100 वर्षों में से 71 वर्ष लता जी का योगदान रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं। इस शहर मुंबई ने मुझे दिया है वो सब कुछ, यहीं मुझे मिला है। मुझे अपनी कला जो छोटी मोटी है उसे यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अधिकार मिला मुझे मुंबई से। मुझे यहाँ मेरी पत्नी मिली मुंबई से। मुझे यहाँ अपना घर मिला मुंबई में। मुझे यहाँ अपने बच्चे मिले मुंबई में, और मेरे पोती पोता जो है वो भी आज मुझे इसी शहर में मिला। मैं इस शहर को सबसे प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस शहर का वासी हूं और अपने आप को एक मुंबईकर समझता हूं। अनेक अनेक धन्यवाद। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.